पशुपालन निदेशालय में शुक्रवार को गौ सेवा आयोग की पहली बैठक हुई। इस बैठक में राज्य भर से निबंधित गौशाला के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आयोग ने गौशाला पदाधिकारियों की समस्या और उनके सुझाव पर विस्तार से चर्चा की। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग अब सिर्फ अनुदान देने के लिए काम नहीं करेगा, अब गौशाला के स्वावलंबन की दिशा में काम किया जाएगा। आयोग की बैठक में राज्य के सभी 5 प्रमंडल में स्वीकृत गौ मुक्ति धाम की स्थापना पर चर्चा हुई। पलामू में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा सभी प्रमंडल में मवेशियों के लिए 2-2 हाइड्रोलिक एम्बुलेंस का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद ली जाएगी। गौवंश के लिए अभ्यारण्य का निर्माण कराने पर भी चर्चा हुई। हम लोग यहाँ गौशालाओं के संरक्षण और संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो प्रशासन के स्तर पर उसको देखने के लिए अलग व्यवस्था है, सरकार के स्तर पर अलग विभाग है। निश्चित रूप से आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि गौ हत्या निषेध कानून की अनुपालना भी इस राज्य में हो और इस नाम पर राज्य में अराजकता फैलाने की इजाजत आप किसी को नहीं। सभी गौशालाओं को भौतिक रूप से निरीक्षण करके और उसका सत्यापन करके और उनकी क्या समस्याएं हो उसकी जानकारी लेकर के आगे की दिशा में लोग सहयोग करेंगे और सभी जिलों में आप जैसा कि व्यवस्था है वहाँ के स्थानीय SDO इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उनकी उपस्थिति में और उपायुक्त महोदय को भी हम लोग इसकी सूचना देंगे हमारे दौरे की, वहाँ हम लोग जा करके जानकारी लेंगे, उसके बाद आपको इतला करेंगे कि आगे हम लोग 23 निबंधित है। और चूंकि इस राज्य में बहुत दिनों से यह आयोग खाली पड़ा हुआ था तो बहुत सारे आवेदन अब आएंगे, अब उसको और लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे और भी गौशालाओं का निबंधन होगा, जो उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।